हाय दोस्तों, मैं हूं आदिल खान। आप देख रहे हैं डिमांड मॉडिफिकेशन। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा फोर व्हीलर की जो डिस्क होते हैं चक्के के अलॉय व्हील, उसको पेंट कैसे करें, कौन सा पेंट मारे, और पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर। तो गाइज, ये है इंडिका की डिस्क। इसको हमको सब में पहले जो ऑयल वगैरह डस्ट रहता है उसको डिटर्जेंट से क्लीन करना है। उसके बाद में उसको सैंडिंग पेपर 320 से सैंडिंग करना है। पूरा अच्छी तरीके से इसको घिसाई करना है, पूरे कॉर्नर्स वगैरह जितने भी साइड्स है उसको अच्छे से घिसाई करनी है। इसको घिसाई करने के बाद में इस पर पेंट अप्लाई करना है। और ये चक्का डिस्क है इसलिए इसको ज़्यादा हेवी कंपनी का जो PU बॉडी में कलर यूज़ होता है गाड़ियों के, वो कलर यूज़ नहीं करना है। इसमें सादे वाला NC पेंट ही यूज़ करना है। इसको NC पेंट अप्लाई करने के बाद इस पर जो मेन रेशियो है, जो हमको दिखता है, उसके ऊपर थोड़ा सा क्लियर मार देना है, जिससे कि उसमें फिनिशिंग अच्छी आए और ग्लॉसी भी अच्छी आए। तो दोस्तों, आप इस बात को जान लो कि इसमें हमें हेवी कलर यूज़ नहीं करना है, ओनली सादा NC पेंट ही यूज़ करना है, जो कि सस्ता रहता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। सिल्वर कलर का पेंट मारना है। इसको अच्छे तरीके से सभी साइटों से पेंट अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर क्लियर कोट चढ़ाना है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं वीडियो अभी नए एडिट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा क्वालिटी वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ और कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा वीडियो एडिट कर आपको भेजूँ। और भी दोस्तों, गाड़ियाँ मॉडिफाई के लिए आई हुई है जिसको बनाने के लिए टाइम लगता है। एक शाइन गाड़ी और एक स्प्लेंडर गाड़ी अभी बनना चालू है, और एक एक्टिवा है, उसके भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, उसे थोड़ा अभी टाइम है। तो दोस्तों, क्लियर कोट अप्लाई हो चुका है। इस पर मैंने पूरा क्लियर कोट मार दिया है। अब आप देख सकते हैं कैसी बेस्ट फिनिशिंग आ रही है, कैसा कलर ग्लॉस कर रहा है, देखिए एकदम।